स्टूडेंट वेलकम यू ऑल इन स्टैंडर्ड फोर्थ मैथमेटिक्स लेक्चर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 meters 40 centimeters। देखो अब क्या कह रहा है कि भाई जो धनु था वो उसने सबसे लंबा जंप मारा 3 meters 40 centimeters का। गुरजीत इज सेकंड। अब क्या हुआ कि जो गुरजीत था वो सेकंड आया। हिज जंप इज 20 centimeters लेस देन धनुज जंप। उसका जो जंप था वो धनु के जंप से 20 centimeters लेस था। गोपी कम्स थर्ड। हिज जंप इज ओनली 5 centimeters लेस देन द गुरजीत जंप। अब क्या कहा कि भाई जो गोपी था वो थर्ड आया, उसका जंप जो था वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम था। किससे? गुरजीत से। ठीक है, तो हाव लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। अब क्या करना है हमें कि भाई गुरजीत का जंप और गोपी का जंप कितना था वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो धनुष जंप कितना था, 3 meters 40 centimeters बराबर। तो फिर उससे हम गुरजीत का जंप फाइंड कर सकते हैं कि भाई 3 meters 40 centimeters माइनस 20 centimeter। अब देखो 3 meters 40 centimeters माइनस 20 centimeter, तो फिर आंसर क्या आएगा? 0 0 4 माइनस 2 2 सेंटीमीटर। 3 meters ऐसे ही। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? 3 meters and 20 centimeters। ये जंप कौन मार रहा है? गुरजीत। ठीक है, अब गोपीज जंप हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि भाई गुरजीत का जो जंप मिला उसमें से हम 5 centimeters माइनस करेंगे। तो देखो गुरजीत का जंप माइनस 5 centimeters क्या हुआ? 3 meters and 15 centimeters। वो क्या हुआ? गोपी का जंप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, गुरजीत का जंप कितना था? 3 meters and 20 centimeters एंड जो गोपी था उसका जंप 3 meters and 15 centimeters। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब देखो क्या कहा है कि भाई ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कितना दूर तक जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, आप एक बॉल को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ये सब क्या करना है आपको फाइंड करना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। बराबर, क्या कहा है कि यहाँ पे इंडियन रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हमें, तो हमें देखना है। देखो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये इंडियन रिकॉर्ड है हमारे। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम दी टेबल। अब क्या करना है हमें, टेबल से सब कुछ फाइंड करना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखो क्या कहा है कि भाई चंद्रपाल है जो, उसको कितना और जंप लगाना था कि जिससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हो सकता था। चलिए तो फाइंड करते हैं। देखो क्या हुआ कि जो जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसने कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर जंप किया था, 2 meters and 45 centimeters। और जो चंद्रपाल था उसका जो इंडियन रिकॉर्ड था वो कितना था, 2 meters and 17 centimeters। ठीक है, तो अगर वो कितना सेंटीमीटर और जंप लगाता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मिल सकता था। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें से चंद्रपाल का जो इंडियन रिकॉर्ड है उसको माइनस करके। तो 2 meters 45 centimeters माइनस 2 meters and 17 centimeters। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, कितने सेंटीमीटर बचेंगे यहाँ पे, 15 माइनस 7 8
3 - 1 = 28 सेंटीमीटर। यानी कि अगर चंद्रपाल और 28 सेंटीमीटर लंबा जंप लगाता तो क्या होता कि भाई उसका जो जंप था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल हो जाता। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बोबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। अब देखो क्या कहा है कि बोबी कहाँ है, बोबी ए, उसका इंडियन रिकॉर्ड कितना है, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है कि उसको और कितना जंप लगा था तो उसका जो जंप है वो 2 मीटर के बराबर होता। चलिए तो देखते हैं। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, जो बॉबी ए है उसे और कितना जंप लगाना होगा 2 मीटर के बराबर होने के लिए। तो चलिए फाइंड करते हैं, पहले जो बॉबी ए है उसका जो जंप है उसकी लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ पे भी 1 मीटर है यहाँ पे हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, 191 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए उसको और कितना लंबा जंप लगाना होता। टू मीटर तक पहुंचने के लिए उसको और कितने सेंटीमीटर का जंप लगाना होता। तो चलिए 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन बॉबी ने कितना जंप लगाया है, 191। तो चलिए माइनस करते हैं 200 - 191, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वो भी 9 सेंटीमीटर और जंप लगाता तो उसका जो जंप था वो 2 मीटर तक पहुंच जाता। देखो अब क्या कहा है, गलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, देखो कहाँ पे है गलिना, यहाँ है, ठीक है। उसका जो लॉन्ग जंप था वो किससे करीब में था, तो 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ठीके? तो 1.5 मीटर यानी कि 0.5 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते, 50 सेंटीमीटर होते। चलिए तो गलीना है उसका जंप कितना हुआ, 7.5 हुआ, तो ये ऑप्शन कहाँ पे हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। देखो अब क्या करना है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना उसमें से लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप में से आपको डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ माइनस ही करना है आपको। इफ माइक पी कुड जंप ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। देखो अब क्या कहा है कि माइक जो है वो कितना सेंटीमीटर और जंप लगाता तो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 9 मीटर कहलाता। तो देखो उसका रिकॉर्ड कितना है, 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में 100 तक पहुंचने के लिए कितना कम है, 5 सेंटीमीटर कम है ना। तो क्या कहेंगे हम कि भाई वो 5 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप लगाता तो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 9 मीटर का हो जाता। वूज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। अब देखो क्या कहा है कि किसका जो हाई जंप है वो 2.5 मीटर से क्लोज में है। अब हाई जंप कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए 2.5 के नज़दीक किसका है, यहाँ पे है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर,
यहाँ पे 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, टू एंड हाफ क्या होता है, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर के नज़दीक किसका रिकॉर्ड है, जेवियर का या फिर चंद्रपाल का, तो कि भाई इसका, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। रनिंग एक्सरसाइज, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट, ही टेक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। देखो क्या कहते हैं कि भाई एक डॉक्टर ने देवी प्रसाद को फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर एवरी डे यानी कि डेली रन करने को कहा है। ही टेक 2 राउंड ऑफ द फील्ड, अब उन्होंने क्या किया कि भाई इस जो ये जो फील्ड हमें दिखाया गया है ना, उसके 2 राउंड लिए, कितने, 2 राउंड, ठीक है। तो अगर उन्होंने 2 राउंड कंप्लीट किए इस फील्ड के, तो वो कितना रन किया होगा, चलिए तो फाइंड करते हैं कि भाई उन्होंने कितना रन किया होगा। ₹500 + ₹500 + ₹500 + ₹500, ये क्या होगा कि भाई जो उन्होंने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं इस फील्ड के, उसमें से ये 1 राउंड होगा, तो कितना होगा ये, 2000, ठीक है। तो 1 राउंड कंप्लीट किया उन्होंने, तो उन्होंने उसमें कितना रन किया था, 2000 मीटर। तो अगर उन्होंने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं उन्होंने 1 ही राउंड कंप्लीट किया है, तो उन्होंने 2000 मीटर ही रन किया था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, जो फील्ड था वो उनके घर से बहुत ही दूर था, सो ही चूज अ पार्क नियर बाय द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। देखो क्या कहा है कि भाई जो फील्ड था वो उनके घर से बहुत ही दूर था, लेकिन एक पार्क था जो उनके घर से नज़दीक में था, और उसकी बाउंड्री कितनी थी, 400 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो देखो अब क्या कहते हैं कि भाई जो ये पार्क है वो कितना है, 400 मीटर का लॉन्ग है, ठीक है। तो अगर देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं, तो उन्हें इस पार्क के कितने राउंड लगाने होंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 2000 मीटर। और अब जो ये पार्क है उसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई 2000 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कट, फिर क्या बचे, 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 4 5 20, तो कितने राउंड हुए। अगर देवी प्रसाद को इस पार्क में 2 किलोमीटर रन करना है, तो उन्हें कितने राउंड लगाने होंगे, 5 राउंड लगाने होंगे, ठीक है। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स, दैट डे ही रेन ब्लैंक किलोमीटर एंड ब्लैंक मीटर। देखो क्या कहा है कि एक दिन ना मौसम बहुत ही अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने तब तक राउंड लगा लिए जब तक वो थक नहीं गए,
कितने राउंड लगाए, 8 राउंड लगाए, तो उस दिन उन्होंने कितने किलोमीटर और कितने मीटर्स रन किया होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो ये पार्क है, उसकी लेंथ कितनी है, लॉन्ग कितना लॉन्ग है वो 400 मीटर, ठीक है, और उन्होंने राउंड कितने रन किए, 8, तो 400 इंटू 8, 8 × 0 = 0, 8 × 0 = 0, 8 × 4 8 × 4 = 32 तो कितना होगा, 3200 मीटर उन्होंने रन किया, ठीक है। तो इसमें से 3200 मीटर उन्होंने रन किया तो कितने किलोमीटर होंगे, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स, ठीक है। चलिए हाउ मैनी रूम्स हाई, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर हाई है, तो अब हमें क्या पूछा है कि भाई आपका क्लासरूम कितने मीटर हाई है। गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अगर आपके रूम की आपको हाइट मिल जाती है आपके घर में, ठीक है, तो फिर आपको ये ट्राई करना है ढूंढने का कि भाई एक के ऊपर अगर एक रूम आप ऐसे चढ़ने तो कितने रूम्स चाहिए होंगे 72 मीटर हाइट के बराबर, यानी कि कुतुब मीनार की हाइट तक पहुंचने के लिए आपके रूम के कितने रूम चाहिए होंगे हमें। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस, आपने अंदाज़ा कैसे लगाया वो भी हमें एक्सप्लेन कीजिए।